तो दिस क्वेश्चन नंबर 46 जिसमें दिया क्या है, वाटर फ्लोज थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप हुज इनर रेडियस इज 1 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन एन एम्प्टी सिलेंड्रिकल टैंक द रेडियस ऑफ हुज बेस इज 40 सेंटीमीटर, व्हाट इज द राइज ऑफ वाटर इन टैंक इन हाफ एन आवर। ठीक है, तो एक सिलेंड्रिकल पाइप है उसमें से पानी जा रहा है एक सिलेंड्रिकल टैंक में, ठीक है। तब वो क्या पूछ रहा है कि हाफ एन आवर में राइज कितना हो जाएगा, मतलब पानी का लेवल कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास दिया क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाइप कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई, आर स्क्वायर की जगह रखेंगे 1 स्क्वायर क्योंकि ये 1 दिया है, और एच, एच कितना हो जाएगा 80। ये आ जाएगा वॉल्यूम गोज थ्रू पाइप पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आ जाएगा 251.4285 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये क्या आ गया, 1 सेकेंड में पाइप से कितना वॉल्यूम निकल रहा है। ठीक है, अब 30 मिनट्स में कितना निकलेगा, इन 30 मिनट्स ये हो जाएगा 251.4285 x 30, ठीक है। और इसको अपन आर में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी, क्योंकि ये सेकंड में दिया है ना और ये 30 मिनट है, तो अपन 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा 452571.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टैंक निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टैंक कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और आर की जगह क्या रखेंगे 40, तो ये हो जाएगा पाई 40 का स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो आएगा अपना 5028.57 x h सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि अपन को h दिया नहीं था और h अपन को निकालना है, क्योंकि राइज निकालना है ना अपन को वाटर का, तो h तो अपन को निकालना है। ठीक है, तो इतना पानी आ रहा है और इतना वॉल्यूम सिलेंडर का है, ठीक है। तो अपना यहाँ से h कितना आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम होंगे इसीलिए h हो जाएगा अपना, इन दोनों को अपन इक्वल रख देंगे, तो ये हो जाएगा 452571.5 upon 5028.57, तो ये हो जाएगा h, तो इसकी वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 90 सेंटीमीटर। तो देज आर रिक्वायर्ड आंसर।